हेलो एंड वेलकम एवरीवन, एंड आप सभी को नमस्ते। इफ़ यू प्लान टू कम टू कनाडा ऑन स्टडी वीज़ा या LMI पे आ रहे हो या ओंटारियो प्रोविंस में जा रहे हो, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन होता है कि ओंटारियो में PR मिलना बहुत मुश्किल है। और टॉपिक भी यही है कि ओंटारियो इज़ द वर्स्ट प्रोविंस और नॉट। देखो, डजंट मैटर आप किसी भी वीज़ा पे आ रहे हो, चाहे वो रजिस्टर पे आ रहे हो, उसको कन्वर्ट करवाते हो LMI के थ्रू, आप RNI पे भी आ रहे हो या स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, बिजनेस वीज़ा पे आ रहे हो, आपका एक गोल है अगर आप कनाडा में सेटल होना चाहते हो कि मुझे जल्दी से जल्दी PR मिल जाए। और ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया, क्यूबेक प्रोविंस में PR मिलना बहुत डिफिकल्ट है इन द करंट सिचुएशन। इवन अगर आप स्किल बेस्ड में हो, हेल्थ इंडस्ट्री में हो, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में आप, इवन आप डॉक्टर नर्सिस में भी हो, वहाँ भी थोड़े चांसेस कम हैं अनटिल एंड अनलेस आपकी अच्छी क्वालिफिकेशन नहीं है, आपका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास कोई लाइसेंस सर्टिफिकेट नहीं है उसके रिगार्डिंग। तो अगर हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, कि मेरा भी एक्सपीरियंस है इन टर्म्स ऑफ ओंटारियो, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम ओंटारियो में स्पेंड किया हुआ है। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ओंटारियो। अगर आपको PR चाहिए ओंटारियो प्रोविंस के अंदर और आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, आप LMI पे आ रहे हो, आई वुड हाईली रिकमेंड यू वॉच दिस वीडियो। और जो मैं बोल रहा हूँ वहीं पे एडमिशन लोगे, उसी कम्युनिटीज में जाओगे, आई विल गिव यू डैम श्योर 100% नहीं, 99% नहीं, 100% आपका PR होगा अगर आपके पास ठीक ठाक क्वालिफिकेशन भी होगी। सो लिसन दिस वीडियो एंड वॉच टिल द एंड। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 90% जो व्यूअर्स है वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपका मन करते चलो सब्सक्राइब करने का, तो कर देना। तो यार ये सच्चाई है कि कनाडा में जॉब अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर है। और ओंटारियो में अराउंड 35-50% पॉपुलेशन रहती है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ओंटारियो प्रोविंस में रहती है। और जितनी ज़्यादा मेन सिटीज़ है, मिनी सिटीज़ है, वो सिर्फ ओंटारियो प्रोविंस के अंदर है, चाहे वो लंदन हो, हैमिल्टन हो, ओटवा हो, नियाग्रा हो, टोरंटो हो, ब्रैम्पटन हो, मिसागा हो, बहुत सारी सिटीज़ है, बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है। आपको हर तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, हर तरह की आपको इंडस्ट्री मिल जाएगी, यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी अगर आपको जॉब मिल जाती है ओंटारियो में। देखो ये भी सच्चाई है कि करंट सिनेरियो में आज अप्रैल 2024 है, जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। PR मिलना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। जॉब तब मिलती है या अनटिल एंड अनलेस आपके पास लिंक्स हो, आपके रेफरेंस कॉन्टैक्ट हो, या आपके पास बहुत अच्छे स्किल्स हो, आपके पास सर्टिफिकेशंस हो, आपके पास लाइसेंस हो, और जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो उसकी बहुत डिमांड हो। देखो सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको ओंटारियो प्रोविंस में मिसिसागा, टोरंटो, ओटवा, लंदन, हैमिल्टन इन सिटीज में मिलेगी, या थोड़ी बहुत हल्की फुल्की किचनर में मिल जाएगी। लेकिन किचनर का सीन ऐसा है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस और क्यूबेक प्रोविंस में जाते हैं। मेन दो प्रोविंस है वो ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया में है, क्योंकि यहाँ पे स्टडी वीज़ा आराम से मिल जाते हैं और मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटी इन्हीं प्रोविंस के अंदर है। और 17 जो कॉलेज बैन हुए थे उसमें 15 कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस, वो ओंटारियो प्रोविंस के अंदर ही आते हैं, जो GTA एरिया में आते हैं, टोरंटो, ब्रैम्पटन, मिसिसागा के अंदर ही आते हैं। जिसको अगर 15 मई के बाद आते हो तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो देखो अब मेरा मेन मकसद है कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे आते हो, LMI पे आते हो, अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है, इवन इफ़ यू हैव वन ईयर एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस नहीं भी है, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, आप स्टडी वीज़ा पे आना चाहते हो और आपको कहीं कॉलेज नहीं मिल रहा, या अगर आप ओंटारियो में ही आपको ऑप्शन मिल रहा है अभी, तो मैं आपको कहूँगा कि इन 5 कम्युनिटीज़ में, इन 5 सिटीज़ के अंदर ही जाना। टिमिन्स, नॉर्थ वे, जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, सडबरी, सॉल्ट मैरी और थंडर बे, इन 5 कम्युनिटीज़ में जाओगे आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको आराम से PR मिलेगा। देखो अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, मिनिमम से मिनिमम 2 ईयर का कोर्स आपको करना है, कोई 1 ईयर का कोर्स नहीं, कोई 1+1 नहीं, आई रिपीट, कोई 1 ईयर का कोर्स नहीं, कोई 1+1 नहीं, मिनिमम 2 ईयर कोर्स करना है, चाहे आप डिप्लोमा करो, सर्टिफिकेट करो, आप मास्टर डिग्री करो। आई वुड सजेस्ट यू अगर आप 12th के बाद आ रहे हो तो आते हो, यार सीधी सी बात है, सबसे अच्छा है कि आप ग्रेजुएशन करके आओ या तो फिर अटलांटिक प्रोविंस में जाओ। ओंटारियो में आके पॉइंट्स तब भी नहीं बनेंगे OINP के अंदर, डेट मीन्स PNP के अंदर। सो आई वुड रिकमेंड यू कि अपनी क्वालिफिकेशन को इंक्रीज करो, अपने एक्सपीरियंस को इंक्रीज करो, स्किल्स को इंक्रीज करो, अपने आप को पॉलिश करो, उसके बाद आओ, तभी आपके चांसेस है इन टर्म्स ऑफ PR। अदरवाइज कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो तो जो मैंने सिटीज़ का नाम लिया है, टिमिन्स, नॉर्थ बे, सडबरी, सॉल्ट मैरी और थंडर बे,
इनमें जाओगे मिनिमम 2 ईयर कोर्स करोगे इवन इफ यू हैव अ जीरो एक्सपीरियंस यू आर स्टिल फाइल फॉर द RNIP दैट मीन्स रूरल नॉर्थन इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम. अब पायलट ये पहले था ये टेम्परेरी प्रोग्राम था अब ये परमानेंट हो गया है तो रूरल नॉर्थन इमिग्रेशन प्रोग्राम. सो अगर आप मिनिमम 2 ईयर की स्टडी करते हो यू कैन फाइल मीन्स आपको ऑफर लेटर रिकमेंडेशन लेटर और आपको दूसरा स्टडी करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली आपको मिल जाते हैं. आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है उस कम्युनिटी से तो आपको आराम से आप RNIP के अंदर आप फाइल कर सकते हो. सो इट्स दैट इजी और इसका 100% सक्सेस रेट है इन टर्म्स ऑफ PR परमानेंट रेजिडेंसी में. सो अगर आप ओंटारियो में आते हो तो यही जाना और अगर चांस नहीं मिल रहा तो यही जाना. तो क्या दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइवेट कॉलेजेस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे ओंटारियो में. आई वुड रिकमेंड यू आई वुड सजेस्ट यू और एडवाइस भी यही करूँगा एक इंटेक बाद में आओ एक साल बाद में आओ बट एटलीस्ट चूज द राइट यूनिवर्सिटी चूज द पब्लिक यूनिवर्सिटी नेवर एवर चूज द प्राइवेट कॉलेज. हाँ आपको कुछ 150 डेज के अंदर आपको नहीं मिल पा रहा आपको सिर्फ दिखाना है आप 150 डेज के अंदर आपको अगर आप नहीं किधर और लाइक एडमिशन ले पाते तो अलग सिनेरियो है. आप अपनी होम कंट्री से आ रहे हो आई वुड सजेस्ट यू एक इंटेक बाद में आओ IELTS का एग्ज़ाम फिर से दो PET का एग्ज़ाम फिर से दो लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटी में ही जाओ. आप डिप्लोमा करोगे सर्टिफिकेट कोर्स करोगे 1+1 ईयर का 2 ईयर्स का आपको वर्क परमिट मिलेगा. 1 ईयर की स्टडी करोगे 1 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा 2 ईयर की स्टडी करोगे तो 3 ईयर्स का वर्क परमिट मिलेगा. मेक श्योर देखो यार ओंटारियो में आपको जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था जॉब्स आपको रेफरेंस कॉन्टैक्ट और स्किल्स के बेस पर मिलती है लेकिन सबसे ज़्यादा क्राइम सिर्फ ओंटारियो प्रोविंस में ही है. सबसे ज़्यादा क्राइम आपको ओंटारियो प्रोविंस के अंदर ही मिलेगा. हद से ज़्यादा ब्रैम्पटन साइड मिसिसागा साइड एंड टोरंटो साइड यहाँ पे क्राइम बहुत ज़्यादा है. थेफ्ट का रॉबरी का स्नैचिंग का और घर बार तोड़ के अंदर घुस जाना बहुत सारे क्राइम है. बगलिंग के क्राइम बहुत ज़्यादा है. सो मेक श्योर अगर आप आ रहे हो पहली बात तो मैं एडवाइस करूँगा यार स्किल सीख के आओ ऊपर से लाइफ ए जोड़ो कराटे मार्शल आर्ट सीख के आओ एंड बी हेल्दी बी स्ट्रांग. तुम ऐसा मत सोचो कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा. एटलीस्ट अपने आप को डिफेंड करो और ट्राई करो कि ऐसी जगह मत जाओ ऐसी जगह पे मत रहो जहाँ पे क्राइम ज़्यादा हो. ड्रग थेफ्ट के रिगार्डिंग गांजा वेप सारे क्राइम बहुत ज़्यादा होते हैं ओंटारियो प्रोविंस में और यहाँ पे जो भी लॉस इस तरह हिसाब से काफ़ी सिकनेस कम की जा रही है तो ये और नुकसान होता जा रहा है. और इतना थेफ्ट के रिगार्डिंग कोई प्रॉपर लॉ भी नहीं है. आपको थेफ्ट के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी और 80-70% क्राइम सिर्फ ओंटारियो प्रोविंस के अंदर ही होती है. और वो रिपोर्ट करने के बाद भी आपको गाड़ी नहीं मिलती है पुलिस वाले आपको ये बोले कि आप इंश्योरेंस क्लेम कर लो. दैट्स द रियलिटी. सो इफ आई टॉक अबाउट द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो देखो मैं सिंपल सी लैंग्वेज कहूँगा कि ओंटारियो में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है बट सिटीज के अंदर है और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे आपको सिर्फ पब्लिक बस मिलती है. मीन्स अगर आपको कॉलेज इंटर सिटी है आपको किसी और सिटी जाना है किसी और टाउन में जाना है देन यू हैव टू टेक अ टैक्सी. और जो काफ़ी कॉमन है जो काफ़ी फेमस है वो है राइड शेयरिंग. या तो आप ऊपर राइड लो जो एक है बाकी राइड शेयरिंग के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं फेसबुक ग्रुप होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हो. आप ट्रैवल कर पाओगे आपको सस्ते में ट्रैवल कर पाओगे बट मीन्स चीप आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अदर सर्विसेज मीन्स टैक्सी या ओला करो उबर करो मीन्स आपको उनसे बहुत सस्ता पे करना पड़ेगा. तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं यू कैन ज्वाइन देम और आप उनको बात करो उनसे राइड बुक करो कि यहाँ इतने टाइम पे जाना है हो जाता है. अब मैं तो कोई जॉब्स तो है नहीं तो मैं आपको एक थोड़ी एडवाइस करूँगा इसी के अंदर राइड के रिगार्डिंग. अगर आपको जॉब नहीं मिल रही और जॉब नहीं भी मिल रही इतनी इजीली जॉब नहीं है. देखो यार हर किसी का एक्सपीरियंस हर किसी की क्वालिफिकेशन हर किसी की लोकेशन वो किस प्रोविंस में रहता है इट्स अ डिफरेंट. कोई बोलता है कनाडा बहुत अच्छा है कोई बोलता है कनाडा बहुत बुरा है कोई रो रहा है कोई हंस रहा है कोई अच्छा कमा रहा है कोई नहीं कमा पा रहा. तो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस है. सो डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स. और आपको बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स मिल जाते हैं कि भैया तुम तो यहाँ भी रोते रहोगे तुम तो इंडिया में भी रोते रहोगे तुम दुबई में चले जाओगे वहाँ भी रोते रहोगे. सो ऐसा नहीं होता. हर किसी का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है. टैक्स सिस्टम इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है हर किसी को जॉब नहीं मिलती है. आपके पास स्किल्स है उसके पास नहीं होगे वो उसको जॉब मिल रही है आपको जॉब नहीं मिल रही है. सो हर किसी का डिफरेंट सिनेरियो है. डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स एंड आई वुड सजेस्ट यू हाईली रिकमेंड यू लर्न स्किल्स एज मच एज यू कैन. जितना कुछ सीखोगे ना आपको पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी आपको हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ PR भी इन टर्म्स ऑफ जॉब भी. PR के हिसाब से लाइक फ्रेंड सीख लो या कोई ऐसा कोर्स लो स्किल बेस्ड कोर्स लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड हो फार्मेसी से रिलेटेड हो या चाइल्ड केयर से रिलेटेड हो जिसकी डिमांड हो जो आपको हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ PR. चाहे PNP में फाइल लगाते हो चाहे एक्सप्रेस एंट्री में फाइल लगाते हो
और जितनी अच्छी क्वालिफिकेशन आपकी होगी, अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास होगा, उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होगा, एक्सपर्ट सेंटर में मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उस 4-5-6 करो आपको पॉइंट्स बराबर ही मिलने हैं। PNP में करोगे आपको पॉइंट्स अलग से मिलते हैं। बाकी कैनेडियन सिटीजन कोई PR होल्डर आपके ब्लड ग्रुप में, आपको उसके 50 पॉइंट्स मिलते हैं। एंड सेम कुछ अगर फ्रेंच आती है, आप TCF का TEF का एग्जाम देते हो, टेस्ट डिवोल्यूशन दे फ्रांसिस, आपको उसके 50 पॉइंट्स मिलते हैं। सो डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स एंड डोंट फॉलो एवरीवन। बस दिमाग लगाओ, रिसर्च करो, चेक करो आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके कितने पॉइंट्स बनते हैं, आप उसे कैसे इंप्रूव कर सकते हो। जस्ट इंप्रूव योर सेल्फ। आपको कैनेडा में सेटल होना है और PR लेना है। दिस इज ऑल्सो ट्रू कि कैनेडा में इन्फ्लेशन है। अच्छा, मैं जो मेरा मेन मुद्दा था, अगर आपको जॉब नहीं मिलती है तो आई वुड सजेस्ट यू 2-3-4 महीने बाद थोड़ा बहुत भाई पार्ट टाइम जॉब करो। कैश में भी जॉब करते हैं, इट इज इलीगल बट लोग करते हैं पैसे कमाने के लिए, दैट्स अ रियलिटी। पैसे कमाओ, पैसे इकट्ठे करो, सेकेंड हैंड थर्ड हैंड गाड़ी लो और राइड शेयरिंग करो। शेयरिंग ग्रुप्स होते हैं, पॉपुलर ऐप अपना रजिस्टर करो, व्हाट्सएप अपना ग्रुप बनाओ, वहाँ पे ऐड डालो कि मेरे को यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ या मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, तो आपको मैं पिक कर लूँगा। यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, दैट्स अ रियलिटी। एंड बहुत लोग करते हैं, हर किसी को जॉब नहीं मिलती है, दैट्स अ रियलिटी। ठीक है, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग क्या था, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे सिर्फ मोनोपोली हर चीज़ में, चाहे वो एयरलाइंस हो, चाहे वो ग्रॉसरीज हो, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग हो, हर चीज़ में मोनोपोली है। इवन फोन के अंदर भी सिर्फ रॉजर है, वीडो है और बेल है, इन तीनों की 92% मोनोपोली है। और यहाँ पे जो रेट्स है लाइक इंटरनेट के, फ़ोन के, बिल के, बहुत एक्सपेंसिव है। $50-60 इन अ मंथ इज क्वाइट एक्सपेंसिव। अब $30-40 पे करते हो फॉर द इंटरनेट के लिए, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। दिस द मोस्ट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट और द कॉलिंग इन द होल वर्ल्ड कैनेडा। सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, द रीज़न बिकॉज ऑफ मोनोपोली। एयरलाइंस के रिगार्डिंग कहूँ, एयरलाइंस के अगर आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कभी भी कैनेडा में कहीं भी जाना हो ना, डज नॉट मैटर किसी भी सिटी में जाना, टाउन में जाना हो, एटलीस्ट 1.5-2 महीने पहले ही बुक करना, क्योंकि आपको सस्ता पड़ेगा, अदरवाइज इट वुड बी वेरी कॉस्टली फॉर यू, वेरी कॉस्टली। क्योंकि सिर्फ 2-3 एयरलाइंस है, वेस्टजेट, फ्री एयरलाइंस और एयर कैनेडा। सो मेक श्योर एटलीस्ट 2-3 महीने पहले या 1.5-2 महीने पहले बुक करोगे आपका भला रहेगा, अदरवाइज इट वुड बी वेरी कॉस्टली फॉर यू। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको एक स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूँ, आप चेक करो कि मुझे कितना टैक्स लगा है और कितना मेरा बेसिक फेयर था। मैंने सस्कातून से टोरंटो की फ्लाइट ली थी, टोरंटो से मैक्सिको की फ्लाइट ली थी। अभी आपको जो दिख रहा है कितना मेरे को टैक्स कितना लग रहा है, मेरे को 85% टैक्स लग रहा है और बेसिक फेयर मेरा कितना है, सी द कंपैरिजन। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, इफ़ यू आर कमिंग टू ऑन्टारियो, आई वुड से PR के लिए मत आओ। देखो, PR के बाद जाना है, PR के बाद जाओ, लेकिन अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हो, आपके पॉइंट्स नहीं बन रहे, अगर LMI पे भी आ रहे हो तो वहाँ पे मत जाओ। अनलेस एंड अनटिल अगर आप RNIP के अंदर आते हो, जो 5 कॉमोडिटीज आपको मैंने पहले नाम लिया, या अगर आप बहुत स्किल बेस्ड में हो, मैकेनिकल, प्लम्बर, कारपेंट्री या वेल्डिंग के रिगार्डिंग, जिसमें आपको लाइसेंस मिलता है और आपको सीधा 600 पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप स्किल बेस्ड में आते हो तो, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। या सिविल इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर में हो, हेल्थ केयर में हो, तब, अदरवाइज इज नो बेनिफिट कमिंग ऑन्टारियो। तो यार, अब बात है यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज के रिगार्डिंग। देखो, मैक्सिमम कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कॉलेज वहीं पे है, और अभी ऑन्टारियो ने फीस बढ़ा दी है। उसका रीज़न ये क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन, कैपिंग लगा रखी है। अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, कैश का यू आर पेइंग 4 times एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक स्टूडेंट्स। अब पैसे तो कमाने हैं, अब बच्चे कम आएंगे, लिमिटेड सीट्स हैं और सबको सीट्स नहीं मिली है। प्राइवेट कॉलेज को तो वैसे भी सीट्स नहीं मिली है, जितने भी 96% सीट्स है वो सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को मिली है, और उनके पास भी लिमिटेड सीट्स है, और उनको भी 3 intake में, जनवरी, मई और सितंबर इंटेक में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो उनको पैसा कम कमाएंगे, प्रॉफिट कम होगा, इनकम कम होगी, तो अपने उस स्टाफ को निकाल रहे हैं, दैट्स अ रियलिटी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, वो फीसें उन्होंने बढ़ा दी है, अब आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा इफ़ यू स्टडी इन एनी पब्लिक यूनिवर्सिटी इन ऑन्टारियो प्रोविंस, नॉट इन एवरी वन, बट मोस्ट ऑफ द पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फीसें बढ़ा दी है। तो अगर आप आ रहे हो तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और साथ ही साथ आखिरी में आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ कहना चाहूँगा, लिंक्स, कॉन्टैक्ट ज़रूर बनाना, इट विल हेल्प यू इन पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी। और मेक श्योर बी मेंटली स्ट्रांग एंड able to do any kind of job. So if I talk about the culture ke regarding, to Ontario mein multicultural system bahut zyada hai. Multicultural, that means I want to say ki yahan pe aapko har tarah ka banda mil jayega, different ethnicity ka, different communities ka, different background ka, different nationality ka, aapko apne type ka banda, jis jagah se aap belong karte ho, jis state se aap belong karte ho, jis country se belong karte ho, aapko waisa banda mil jayega. To aapko apni home, like
सिकनेस या लोनलीनेस कभी फील नहीं होगा जैसे आपको सस्कैचवान मैनिटोबा में फील होता है या आपको नुनावत में यूकॉन जैसे प्रोविंस में फील होता है, इवन अटलांटिक प्रोविंस में आपको फील होता है, ब्रिटिश कोलंबिया क्यूबेक में और ओंटारियो में आपको इतना फील नहीं होगा, स्पेशली ओंटारियो में और ब्रिटिश कोलंबिया में। तो आपको अपने तरह की कॉमोडिटीज़, खाने पीने की चीज़ें, आपको टेम्पल जाना हो, गुरुद्वारे जाना हो, चर्च जाना हो, आपको वैसी चीज़ें आपको सब कुछ मिल जाती है, सो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। तो आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा कि आप अपनी कंट्री से बाहर आए हो, मीन्स बाहर तो आए हो लेकिन आपको कभी सिकनेस फील नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे राइट नाउ आई मीन सस्कैचवान, तो यहाँ पे ऐसी फीलनेस काफ़ी ज़्यादा है, और मैं ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस में रह चुका हूँ, सो आई नो। बट यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन वहाँ पे रहना ओंटारियो प्रोविंस में बहुत सस्ता है, दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, टैक्स काफ़ी ज़्यादा लगता है कॉमोडिटीज पे, इनकम पे, बट इसको मैं कंपेरिजन करूँ सस्कैचवान से, मैनिटोबा से या किसी और प्रोविंस से, तो वो काफ़ी सस्ता है, काफ़ी चीप एज कम्पेयर टू दिस वन। स्टिल यहाँ पे इनकम टैक्स और कॉमोडिटीज पे टैक्स नहीं लगता, इनकम टैक्स बहुत कम है, ओंटारियो में ज़्यादा है, लेकिन स्टिल ओंटारियो इज क्वाइट चीप एज कम्पेयर टू दिस काइंड ऑफ प्रोविंसेस। ओंटारियो में ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, अपॉर्चुनिटी को वैसी मिलती है या तो स्किल्स है, या तो सर्टिफिकेशन है, या तो आपके पास लिंक्स है, रेफरेंस है, अदरवाइज अपॉर्चुनिटी जॉब्स मिलना मुश्किल है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे इस पर नहीं था, बहुत जब भी आप कभी आप फर्स्ट टाइम आओगे या कहीं भी आप जाओगे, स्पैम कॉल्स, फेक कॉल्स, मैसेज बैक को टेक्स्ट पे लिंक्स आते हैं, कभी भी उन लिंक्स पे क्लिक मत करना, आपकी सारी डिटेल, बैंक की डिटेल आपकी पूरी निकल जाएगी, जितना भी आपका पैसा है सारा डूब जाएगा। तो मेक श्योर, देखो, बी कॉन्फिडेंस, बी मेंटली स्ट्रांग एंड डोंट शाय, एंड डोंट, अगर कोई आपका गलत कर रहा है, कोई हैरास कर रहा है, डिफेंड योर सेल्फ, पार चलेगी, डिफेंड योर सेल्फ एंड लर्न मार्शल आर्ट्स। मैं गाली नहीं देना चाहता, बट लर्न मार्शल आर्ट्स एंड लर्न जोड़ो, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे बहुत कॉमन हो चुकी है ओंटारियो प्रोविंस में, ड्रग्स लेना, ड्रग्स देना, गांजा फूकना, मेथेंथेल बेचना, डेट्स क्वाइट कॉमन, पता है, बट यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन, अभी लॉस है वो बहुत स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बहुत कम होते जा रहे हैं। एक केस था बेलेवेले का, एक ड्रग लॉर्ड पकड़ा गया जो बेचता था, सुबह पकड़ा गया, शाम को इसकी बेल हो गई, पैसे खिलाए बेल हो गई, मीन्स पैसे दिए बेल हो गई। तो ऐसी चीज़ें चल रही है, तो इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है, वो वाली बात नहीं है जो पहले थी। सो दिस इज़ नॉट द पॉइंट, बट इफ़ यू आर कमिंग टू कैनेडा ऑन ओंटारियो, कैनेडा में स्पेशली ओंटारियो प्रोविंस में, तो मेक श्योर यू शुड हैव अ स्किल्स, मेक रेफरेंस कॉन्टैक्ट, ग्रुप्स को ज्वाइन करो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, गाड़ी लेना ज़रूर लेना, सेकेंड हैंड थर्ड गाड़ी लेना, राइड शेयरिंग करना, लेकिन 4-5 महीने 6-7 महीने के बाद ना, जब आपके पास इनफ पैसा होगा, और इम्प्रूव योर सेल्फ, आप अपनी होम कंट्री में देख रहे हो मुझे, इम्प्रूव योर सेल्फ, पॉलिश योर सेल्फ, चीज़ें सीख के आओ, आपको पर्सनली प्रोफेशनली आपको कभी ना कभी हेल्प करती करती है। और कभी भी चौड़े में मत रहना कि मैं ये हुआ है वो हुआ है, हर किसी शेयर को सवा शेयर मिलता है, इन्जॉय योर लाइफ एंड बी हैप्पी। और इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, तब तक के लिए गुड बाय। और वीडियो कैसी लगती है लाइक शेयर कर देना अगर मन करता है तो, एंड इफ यू वॉन्ट सपोर्ट यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट, तब तक गुड बाय, टेक केयर।